शिक्षा का सूरज चमके रोशन हो जीवन सारा। शिक्षा का सूरज चमके रोशन हो जीवन सारा। अक्षर अक्षर ज्योत जले मन को देता उजियारा। शिक्षा का सूरज चमके रोशन हो जीवन सारा। सीखो सा समय के चलना, सीखो आज से लिखना पढ़ना। सीखो आज से लिखना पढ़ना। होता काम काज आसान, मिलता पढ़े लिखे को मान। होता काम काज आसान, मिलता पढ़े लिखे को मान। जब भी जागे तभी सवेरा। नहीं अंधेरे में अब रहना। नहीं अंधेरे में अब रहना। तुझे बुलाए नई सुबह, नई सुबह, नई सुबह, नई सुबह, नई सुबह, नई सुबह। धना इसे लेकर बाहर जा, मुझे देखेगी तो और रोएगी। भाई इसे भूख लगी। अरे नहीं, मैंने इसे दूध पिला दिया। मैं कह रही हूँ ना, इसे लेकर बाहर जा, अभी तेरा बापू आएगा, रोटी नहीं बनेगी तो और डांटेगा। बाबा तो हर बात पे गुस्सा करते हैं, रोटी बनी कभी नहीं। चल इसे लेकर बाहर जा, ज्यादा बातें मत कर। माँ माँ, बाबा आ गए, जल्दी से रोटी बना दो। हाँ बना रही हूँ, तू इसे लेकर बाहर जा। तू कहाँ जा रहा, यहीं रह। क्यों गणेश आज स्कूल क्यों नहीं गया? अगर बच्चे खिलाता रहा तो तेरी तरह से लिख लोढ़ा पड़ पत्थर बन जाएगा। माफो क्या कोसते हो, किताब के लिए पैसे तो नहीं दिए जाते? कल ही बताया था कि मास्टर ने क्लास से निकाल दिया है, आज भी वही होता। तू ठहरी गंवार औरत, इसकी बहानेबाजी तू नहीं समझेगी। और सुन, ज्यादा उसकी वकालत मत कर, वरना तेरे जैसा ही अनपढ़ रह जाएगा वो। हर बात पर अनपढ़ होने का ताना क्यों देते हो? मैट्रिक पास हो तो जाते किसी बीए पास को ढूंढ लाते। अरे वही ढूंढ लेता, बाप ने पहले ही तेरे खूंटे से जुबान दिया। मेरी किस्मत खराब थी। अरे किस्मत खराब है तो अब किस्मत ठीक कर लो ना, जाओ उसी के पास जिसके आगे पीछे घूमते हो, छोड़ दो बीवी बच्चों को। कौन? वही मुखिया की छोकरी। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ मालूम नहीं? चुप कर, बहुत जबान चलाती है। सच कहा तो कैसी मिर्ची लग गई। मिर्ची तो अब तेरे सुख चैन में लगेगी, और अगर जानती है तो जिस हाल में है उसी हाल में पड़ी रहे। और सुन, अगर मेरे और उसके बीच में आई ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चोरी तो चोरी, ऊपर सीना चोरी। अरे ब्याहता हूँ तुम्हारी, कोई आंगन में बंधी हुई गाय नहीं हूँ। कोई छर्रा ही उड़ाने ना उसके साथ तो जाओ उसके पास, यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पर हुकुम चलाती, अब अगर जबान चलाई ना फिर हाथ उठेगा। पढ़ी लिखी ना सही, मगर इतना जरूर जानती हूँ, जो मर्द अपनी औरत की इज्जत नहीं करता उस मर्द को भी कभी इज्जत नहीं मिलती। तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे जो करना है मैं करूंगी। क्या करेगी तू? मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कहाँ? मैं कहीं भी जाऊँ, तुम्हें इससे मतलब क्या? सुशीला की माँ, अरे फिर सिर्फ फोड़ आया, जरूर किसी से लड़कर आया होगा। कुछ बोलेगा तब ना पता चलेगा कि ये चोट कैसे लगी। कैसे लगा बेटा, बोल ना, कहीं गिर गया या किसी ने मारा? अरे बेटा तू कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे ये क्या बोलेगा, इसका तो रोज का धंधा है जुआ खेलना और मारपीट करना, ऐसे पूछ से निपुत भला। महादेव क्यों अपने बूढ़े बाप के नाम पर बट्टा लगा रहा है, बुरी संगत छोड़ दे बेटा। अरे इतने प्यार से बोलोगी तो क्या इस अभागे पर कोई असर होगा? मेरा तो जी चाहता है इसे मार मार कर इसके हाथ पांव तोड़ दूं ताकि घर से बाहर ही ना निकले। हाँ हाँ बाहर डालो मुझे, खर्च के लिए दो पैसे तो देते हो नहीं, सिर्फ गालियां और डांट मिलती है मुझे। तुम्हारे मार खाने से अच्छा कहीं चला जाओ। हाँ हाँ जा, चला जा। वैसे भी यहाँ रहकर मुफ की रोटियां तोड़ने के अलावा तो करता ही क्या? मैं खेत में अकेला खटता हूँ, कुछ फर्क पड़ता तुझे? तेरी माँ बेगारी करती है, कभी सोचा है इसके बारे में? हाँ हाँ जाता हूँ, फिर कभी नहीं आऊंगा। भूत कबूत निकले तो इसी जीवन में नरक है। महादेव, महादेव बेटा, बेटा कहाँ जा रहा है तू? तेरे पास कुछ पैसे हैं? हाँ
देती हूँ, पर बेटा तू जा कहाँ रहा है? कहीं भी, लेकिन यहाँ नहीं आऊंगा। ठीक है, जाना है तो जा, अपनी बहन सुशीला के पास जा, वहां रह थोड़े दिन, नहीं तो उसे भी साथ लेकर आना। सुशीला के बाबा, ओ सुशीला के बाबा, दिन निकल आया, कब तक सोते रहोगे? उठो भी, कब तक सोते रहोगे तुम? महादेव, महादेव आ गया? नहीं, उठते ही महादेव की याद क्यों आ गई? वो सपना देखा था। क्या देखा? कि महादेव लौट कर आ गया है। और तुम उसे डांट रहे हो? नहीं सुशीला की माँ, वो जब मुझे गुस्सा दिलाता है तभी मैं उसे डांटता हूँ। बुरी आदतें छोड़कर कामकाज में से लग जाए तो उसमें उसी का भला होगा। जानती हूँ, बहुत ही फिक्र है तुम्हें उसकी, मैं भी तो यही चाहती हूँ, आखिर बेटा है हमारा। एक ही तो है, कहाँ गया होगा? मैंने ही भेजा है उसे सुशीला के यहाँ। नाना जी, नानी। अरे बेटा गणेश। आओ बेटा, आओ। महादेव सुशीला के पास ही गया होगा, उसे लेकर आया है। सब ठीक है ना बेटी? जी बाबा। अरे बेटा, महादेव कहाँ रह गया? महादेव? वो नहीं आया तेरे साथ? नहीं बाबा, मैं तो अकेली आई हूँ। अरे मैंने उसे कहा था अपनी सुशीला दीदी के पास जाना। अरे कहीं और गया होगा। बेटी तेरा घर वाला आजकल क्या करता है? वो नहीं आया तेरे साथ? क्या बात है बेटी, तू चुप क्यों है? क्या हुआ बेटी, फिर झगड़ा हुआ क्या? नानी, बाबा ने माँ को मारा। कन्या तू चुप रहे। बेटी हम जानते हैं तेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है, फिर भी बता तो सही, अब हुआ क्या? बोल बेटा, बैठ बेटा, बैठ। माँ, उसने मुझे बहुत मारा, कहता है मेरी जान ले लेगा, उसे मेरी तरह अनपढ़ गवार नहीं चाहिए। हे भगवान, तेरी तकदीर इतनी उल्टी निकलेगी कभी सोचा नहीं था। बाबा, अब मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, वो किसी दूसरी औरत के चक्कर में है। बेटा, जब दूसरी औरत का भूत सर से उतर जाएगा ना, तो तेरे ही पास वापस आएगा, आखिर इन बच्चों का बाप है वो। अरे जब आएगा तब आएगा। बेटी तू फिक्र मत कर, जब तक तेरा जी चाहे यहाँ रहे, इसी बीच मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। कोई फायदा नहीं है बाबा, मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालूंगी, मगर वहां वापस नहीं जाऊंगी। हाँ माँ, जाओगी तो बाबा फिर मारेगा। नहीं मारेगा बेटा, मैं हूं ना, तू क्यों फिक्र करता है? सुशीला, सरोज से कह के मैं तेरे काम का बंदोबस्त भी कर दूंगा, काम करोगी तो मन भी लगा रहेगा। क्या बोला मुकादम, काम पे रखेगा ना मुझे? अरे क्यों नहीं रखेगा, पर एक बात ध्यान रखना, नासपीटा बड़ा बदमाश है, उससे मत उलझना। मैं क्यों उलझू, मुझे क्या करना है उसकी बदमाशी से, बस अपने काम से काम करना है। तो ठीक है, कल हम दोनों एक साथ चले जाएंगे। ठीक है। अरे मुझे तो लग रहा था ये काम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, मगर देख रहे हो तुम तो बड़ी आसानी से कर रहे हो। आसानी से नहीं, मेहनत से कर रही हूँ। जब पता है कि मजदूरी करनी है तो इसे मुश्किल क्यों समझा जाए? हाँ दी, जब ओखली में सर दिया ही है तो मूसल से क्या डरना। ए, काम कर काम, हंसती क्यों है? आपको देखकर मालिक। जब चल कुर्सी टेबल लगा जा। जी मालिक। नासपीटा कहीं का, न खुद हंसता है न दूसरों को हंसने देता है, टाइम खत्म होने के वक्त पर कहता है काम करो काम। मैं तिखेप डालकर आती हूँ। अरे रुक, कहाँ जा रही है, टाइम तो खत्म हो गया है ना, सुन नहीं रही है क्या? टेबल कुर्सी लगाने के लिए कह रहा है, चलो हम मजदूर ले लेते हैं। चलो हाँ।
मजदूरी लेने के लिए तो बड़ी फुर्ती दिखाते हो, काम के समय में फुर्ती कहाँ चली जाती है? वो क्या है मालिक की काम गुलामी है, मजदूरी लेना आजादी। कलुआ तू बहुत बोलता है, पैट कॉल। पैट कॉल हरकू, चलो अंगूठा लगाओ। चल लगा। हाँ ये पकड़ो, आगे बढ़ो, आ जा। सब ठीक है ना? आपकी मेहरबानी है मालिक। अरे मेहरबानी ही तो है कि तुम्हारे एक कहने पे इसको काम पे रख दिया। चल अंगूठा लगा, अंगूठा लगा, लगा। या, या। ये ले। क्या नाम है तुम्हारा? सुशीला। बहुत बढ़िया नाम है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नाम है सरकार। चप। अंगूठा लगा, ला ला ला, ला। अपने काम से मुझे भी खुश रखना, समझ गई ना? हाँ ये ले। अरे ये अंगूठा कहाँ लगा दिया? वो क्या है मालिक, अंगूठे के तो आंख होती नहीं है ना। अरे चुप, चलो अंगूठा लगा। क्या लगा? कलुआ। हाँ मालिक। अरे ये बात काम की जगह है कि अनाथालय? ये बच्चे कहाँ से आ गए? अपने घर से मालिक, मेरा मतलब कोई मजदूर लाया होगा। अरे पूछ पूछ किसके आए ये? ये बच्चे किसके है? ये मेरे बच्चे हैं साहब। अरे तेरे बच्चे हैं, तुमको घर पे रख, काम पे क्यों लेके चली आई? घर पे कोई नहीं है साहब ध्यान रखने वाला, इसलिए अपने साथ लेकर आई हूँ, नजर के सामने रहेंगे ना। अरे लेकिन मेरी नजर में तो चुपते हैं ना, बच्चा रोएगा तो काम छोड़ के दूध पिलाने के लिए दौड़ जाएगी। मेरे मेरे हैं बच्चे। अरे बाप रे, बड़े साहब। अरे अरे अपना अपना काम करो, चलो। नमस्ते सरकार। मुकादम। हाँ काम बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है, हमें तेजी चाहिए, तेजी। काम समय पर पूरा होना जरूरी है। मैं तो पूरा मुस्तैद हूँ सरकार, ये मजदूर ही काम नहीं करते तो मैं क्या करूँ? जो काम नहीं करता उसे हटा दो, आखिर पैसे किस बात के देते हैं हम? सरकार अब देखिए ना, मना करने पर भी बच्चे साथ लेकर चली जाती हैं। ए इधर आ रहे, इसका बच्चा है हुजूर। तुम काम की जगह पे बच्चा क्यों ले आती हो? घर पे कोई देखने वाला नहीं है साहब। अच्छा ठीक है, मगर बच्चे की वजह से काम पर कोई असर नहीं होना चाहिए, समझी? नहीं होगा साहब। देखिए मैं आप सब से बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं, हमें ये काम निर्धारित समय पर करना है और ये तभी पूरा हो सकता है जब आप सब इसे पूरा करना चाहेंगे। हम तो पूरी मेहनत कर रहे हैं सरकार। जानता हूं, मगर ध्यान में रहे, अगले महीने के पहले हमें यह काम पूरा करना है। आप थोड़ा ज्यादा काम कीजिए, ज्यादा मजदूरी पाइए। अब रोज 50 रुपए की जगह अब आप सबको रोजाना 60 रुपए मजदूरी मिलेगी। यो 10 रुपए की बढ़ोतरी कम है क्या? ऐसी बात नहीं है साहब, आपकी बात तो हम लोगों के समझ में ही नहीं आ रही है। इसमें संबंध जैसी क्या बात है? रोज 50 रुपए मिलते थे, अब 60 मिलेंगे। क्या बात है मुकादम? ये क्या बताएंगे साहब, हम बताते हैं। बताओ काका, तुम्हें रोज कितनी मजदूरी मिलती है? 30 रुपए सरकार। और प्रभा तुम्हें? 30 रुपए। और सरोज तुम्हें? 30 रुपए। सुन लिया ना सरकार, इसीलिए आपकी 50 और 60 की बात हमारी समझ में नहीं आ रही थी। अरे अरे ये सब झूठ है सरकार, मैं लोगों से सख्ती से काम लेता हूँ, इसीलिए सब मिलकर मुझे फंसाना चाहती है। कंधा राइट चला, ये देखिए ये देखिए जो लिखा है वो दिया है। आप लोगों में से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है? नहीं सरकार,
तभी तो अंगूठा लगाते और धोखा खाते हैं। कल से ऐसा नहीं होगा। आप सब लोग 60 रुपए गिन कर लीजिए, समझे मुकदम? जाइए मालिक, सरकार बुला रहे हैं। कल दूसरा मुकदम आ जाएगा, उसे चार्ज दे देना। माफ कर दीजिए सरकार, ऐसी गलती नहीं करूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे सरकार। उन गरीबों के भी बाल बच्चे हैं, उनके खून पसीने की कमाई छुड़ाकर तो अपने बच्चे का पेट भरना चाहता है? नहीं नहीं सरकार, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। खैर, अब तक जितना घोटाला किया उसका हिसाब मुझे देना, पहले इनके पैसे लौटा देना, समझे? यही तुम्हारी सजा है, जाओ। ठीक है बच्चू, ठीक है। ज्यादा मजदूरों की जरूरत नहीं है, जाओ तुम्हारी छुट्टी। मगर बड़े साहब तो कह रहे थे अभी काम बहुत है। वाह 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 वाह, बड़े साहब बोले तो वो बात समझ में आई, और मालिक मुकादम बोले तो समझ में नहीं आई है। कल बहुत पटर पटर कर रही थी ना साहब के सामने, आज हो गई ना छुट्टी। साहब हमें काम की बहुत जरूरत है साहब, काम पे रख लो ना। अरे दादा बोला ना काम नहीं है, जब होगा तो बुला लूंगा, चलो सर पे मत खड़ी रहो। अरे जाओ भाई। साहब सलती शिकायत कर, काम पे रख लो। कल इसकी पोल खुल गई थी ना, इसलिए वो हमसे सबसे बदला ले रहा है। लेकिन और लोग तो काम कर रहे हैं, जो उसकी शर्त मानेगा वही उसका काम करेगा। मुकादम से दुश्मनी लेके यहाँ कोई टिक सकता है? हे भगवान, दीन दहाड़े कैसे लूट मचे हैं, मगर क्या करें, जितना मिल जाए वही बहुत है ना। तू आ मेरे साथ, चला आ। मालिक सब बहुत गरीब लोग हैं, काम करेंगे तो पेट भरेगा ना। आप तो रख लो ना काम पे, थोड़ा बहुत जो कुछ मिल जाएगा उसी में गुजारा कर लेंगे। अरे सरोज की बच्ची, ज्यादा सिफारिश करोगी ना तो तुम्हारे लिए भी यहाँ काम बंद हो जाएगा, समझी? जा। अरे हट ना भाई, कहाँ सर पे खड़ी है, चल। थोड़ा बहुत में काम चला लेंगी। अरे ससुरा बड़ा साहब याद भी यहाँ आ गया। अरे सुनो, इधर आओ सब लोग। अरे जल्दी आओ ना भाई, जल्दी आओ। सुनो सब लोग जाके जल्दी जल्दी काम करो, शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। और सुनो, बड़े साहब से कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझे? जाओ जाओ। अरे खड़ा खड़ा मेरा थोपड़ा क्या देख रहे हो, वक्त मत बर्बाद करो भाई, जाओ काम पे लगो, शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, जाओ। जाओ मालिक, मैं देखता हूँ यहाँ, जाओ। हाँ चलो चलो जाओ। हाँ देखा कुत्ते की तुम अब कैसे सीधी हो गई। नमस्कार सरकार। नमस्ते, ये सब लोग यहाँ से जा क्यों रहे, सबको बुलाओ। ए सुनो, सब लोग इधर आओ, सरकार बुला रहे हैं, जल्दी आओ। अरे जल्दी आओ भाई, है? तुम हटो। आज से आप सबको यहाँ एक काम और करना होगा। क्या? मजदूरी के साथ साथ पढ़ाई भी करनी होगी। आपको पढ़ाने के लिए मैं यहाँ दो टीचर ले आया हूँ, ये रहे आपके दो टीचर। नमस्ते। सरकार इस उम्र में क्या पढ़ेंगे हम? और पढ़ लिख कर क्या करेंगे हम? इस उम्र में लोग हम पर हंसेंगे अगर पढ़ेंगे तो। ऐसा कुछ भी नहीं है, घर का अंधेरा दूर करने के लिए हम खुद ही दिया जलाते हैं या नहीं? दिमाग का अंधेरा दूर करने के लिए ज्ञान का दिया जलाना जरूरी है या नहीं? सरकार की प्रौढ़ शिक्षा योजना की तरफ से आप सबको स्लेट कापी किताबें आदि पढ़ाई का सब सामान मुफ्त में मिलेगा। तो आज से दोपहर का खाना खाने के बाद 1 घंटा और शाम को काम खत्म होने के बाद 1 घंटा सबको पढ़ाई करनी होगी, समझे? और आज के बाद आपको कोई भी अंगूठा छाप समझ के कोई धोखा नहीं दे सकेगा और कोई लूटेगा भी नहीं। सुशीला बेटी चल उठ, बच्चे भी सो गए हैं, कब तक पढ़ाई करती रहेगी, तेरे बाबा आते ही होंगे। बस माँ इतना पन्ना पूरा कर लो फिर आती हूँ। ये तूने बहुत ही अच्छा किया बेटा, पर अपनी सेहत का भी तो ख्याल रख। दिन भर काम पर मेहनत करती है और देर रात तक पढ़ाई करती है, खाने पीने का भी होश नहीं है तुझे। माँ ये भी तो देखो, तुम्हारी अंगूठा छाप बेटी अब कलम चलानी सीख गई है। इसी खुशी के मारे भूखी नहीं लगती। बेटा एक तेरा भाई है जो पढ़ लिख कर भी कुछ भी नहीं करता,
और एक तू है जो पढ़ने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। बेटा तू एक काम क्यों नहीं करती, अब तो तुझे पढ़ना लिखना आ गया है, गणेश के बाबा को एक चिट्ठी क्यों नहीं लिखती, बता दे उन्हें कि अब तू अनपढ़ नहीं रही, पढ़ी लिखी है। लाओ अंगूठा लगाओ। ये ले। कितना लिखा है? जितना लिखा उतना दिया। काका जरा तुम ही देखो कितने लिखे हैं। क्यों मालिक मकादम तुम्हें पढ़ना नहीं आता, 10 रुपए और दो चलो। ये ले। ये लो तुम अपना 60 रुपया। जांच कर रहा था। हाँ। सबकी तीसरी आंख खुल गई है, वह भी अपनी आंखें खोल लो। जब चलो ले लो 60 रुपया। ये लो दस्तखत। लो आ गया तुम्हारा सबूत। अरे महादेव कहाँ थे तुम इतने दिन? शहर गया था माँ। तो फिर तुमने माँ बाबा को बताया क्यों नहीं? अरे इतना जिम्मेदार होता तो आवारा बनकर घूमता नहीं। बस भी करो, अभी अभी घर लौटा है और तुमने डांटना शुरू कर दिया। शहर में कोई काम कर रहा था बेटा? काम काज और ये भटक रहा होगा। भटक नहीं रहा था बाबा, इस बार घर के काम काज के लिए दौड़ भाग कर रहा था। घर के कौन से काम काज रे, और घर की इतनी फिक्र कब से होने लगी तुम्हें, या कोई और नया बहाना? बाबा उसकी पूरी बात सुन तो लीजिए। हाँ बताओ किस लिए गए थे वहां पर? सरकार ने गरीब किसानों के लिए एक योजना शुरू की है जिसमें खेती के लिए वो पैसे की मदद देते हैं, अब पैसा भी वापस नहीं करना होगा। अच्छा लेकिन मुझे तो इसकी कोई खबर नहीं। बाबा गांव तक खबर आने में वक्त लगता है, मैं शहर के बैंक से सब पता करके आया हूँ। पैसा तुम्हारे नाम से निकलेगा इसलिए कागज तुम्हारे नाम से बनवा कर लाया हूँ। देखा मैंने कहती थी चाहे कैसा भी हो यही तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बाबा मुझे लगता है इस बार मेरा भाई सही काम करके आया है। हाँ बाबा अब तुम इस कागज पर अंगूठा लगा दो, बाकी सब काम मैं देख लूंगा, जितना जल्दी कागज जमा होगा उतने जल्दी पैसे मिलेंगे। अब तो इसकी बात का भरोसा कर दो और जल्दी से दस्तखत कर दो। हाँ बाबा ज्यादा सोचो मत, अंगूठा लगा दो यहाँ पर, ढेर सारे पैसे मिलेंगे। अंगूठा का रे दस्तखत करना सीख लिया है। माँ चिट्ठी। लक्ष्मी कहाँ है? मौसी ने अपने पास रख लिया। किसकी चिट्ठी है बेटा? गणेश के बाबा की। सूरज पश्चिम से कैसे निकला, अचानक चिट्ठी कैसे आ गई? बाबा मैंने चिट्ठी भेजी थी ये बताने के लिए कि अब मैं अनपढ़ गवार नहीं हूँ, उसी का जवाब है। सब ठीक है ना बेटी? हाँ बाबा अब सब ठीक हो गया है। माँ तुमने बिल्कुल सच कहा था, उस औरत का भूत अब सर से उतर गया है। अब बीवी बच्चों की याद आ रही है, जल्द ही लेने के लिए आएंगे और बच्चों को ढेर सारा प्यार भेजा है। ये सब उपकार तुम्हारे बड़े साहब का है, तुम्हारी पढ़ाई ने तुम्हारा टूटा घर जोड़ दिया है। सच कहा बाबा, बड़े साहब तो देवता मानस है, काम खत्म होने के बाद भी उन्होंने हमारी कितनी मदद की है। माँ जानती हो कह रहे थे गांव में जा जा कर पढ़ाओ तनख्वाह भी मिलेगी। इसे भी उनसे मिला दो ना, काम पर लग जाएगा तो तनख्वाह मिलेगी। सुशीला की माँ तुम्हारे बेटे को बंदी तनख्वाह नहीं चाहिए, उसे एक मुश्त ढेर सारा पैसा चाहिए, कहता है अंगूठा लगा दो ढेर सारा पैसा मिल जाएगा। लेकिन अंगूठा क्यों? दस्तखत करूंगा, ला पेन ला। नहीं नहीं आपको नहीं चाहिए ना, तुम्हें मेरे ऊपर तो भरोसा है नहीं, दस्तखत करने की कोई जरूरत नहीं। अरे महादेव जरा दिखाओ तो ये कौन सी योजना के कागज है, मैं भी तो देखूं। वाह वाह महादेव
ये तो बहुत अच्छी योजना है, इससे तो तुम्हें ढेर सारा रुपया मिल जाएगा। अपने बाप को कंगाल बनाकर जाता कहाँ है? क्या क्या लिखा है बाबा इसमें? लिखा है, मैं रामदेव समर्थ अपनी सारी जायदाद, घर, खेत अपने बेटे महादेव प्रसाद के नाम करता हूँ, जिसे जब चाहे तब बेचने का पूरा अधिकार है। ना नीचे गिर सकता है, अपने अनपढ़ बाप को लूटने आया यहाँ पे। हाँ बाबा, ये तो इसी इरादे से यहाँ पर आया था। सोचा होगा जहाँ पर अनपढ़ गवार रहते हैं वहाँ इसकी बदमाशी कोई पहचान नहीं पाएगा। अरे कपूर, तू बेटा ही है राक्षस, अपने माँ बाप को जीते जी मार डालना चाहता है। एक तू है कि तेरी पढ़ाई ने अपने बाप का दुश्मन बना दिया, और एक ये है तेरी बहन जिसकी पढ़ाई ने आप उसके बाप को उबार दिया। तुझे मेरे ही कोख से पैदा होना था क्या? अपनी जायदाद लूटने के लिए आए थे तुम? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसे तुम्हारी अकल पे पर्दा पड़ गया था कि तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें धिक्कारा नहीं? जिसका ईमान मर गया होगा उसके लिए धिक्कार क्या और पछतावा क्या? सुचला, कल ऐसा ही कागज तैयार करके ले आ, सब इसके नाम लिख दूंगा, सारे अधिकार दे दूंगा इसे, सिवाय एक अधिकार के, मेरी चिता को आग लगाने का अधिकार इसे नहीं होगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, मुझे मुझे माफ कर दो माँ। महादेव एक बात सुनो, ध्यान से सुनो, जिस घर में माँ बाप का आशीष नहीं होता वो घर सूखे दरख्त जैसा होता है, जहाँ कभी छांव नहीं मिलती। मुझे माफ कर। बाबा, इसे एक बार माफ कर दीजिए। ठीक है, एक मौका और देता हूँ। सीखो सा समय के चलना, सीखो आज से लिखना पढ़ना, हाँ सीखो आज से लिखना पढ़ना, होता काम काज आसान, मिलता पढ़े लिखे को मान, होता काम काज आसान, मिलता पढ़े लिखे को मान, जब भी जागे तभी सवेरा, नहीं अंधेरे में अब रहना, नहीं अंधेरे में अब रहना।